तो चालू 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 हो गया। आंसर की पूरी गलत है, आंसर की पूरी गलत है। तीसरा क्वेश्चन और सुंदर है,
बताओ तीसरा क्वेश्चन किसने किया? किसने किया? सी। अरे बेटा ये बताओ यहाँ पर ई नॉट 1.9 किलो वोल्ट, ई नॉट 0.08 किलो वोल्ट, ई नॉट Cu2+Cu कितना है बेटा जल्दी बोलो, प्लस 3.4 वोल्ट, ई नॉट कितना है बेटा प्लस 5.4 वोल्ट, प्लस 0.54 वोल्ट। आप बताओ जल्दी से, पॉइंट प्लस 5.4 वोल्ट, जल्दी बताओ क्या होगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा बेटा, बताओ किसका ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक बताओ ना, पहले एलिमेंट बताओ, एलिमेंट Br का, उसके बाद जल्दी बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है? Br2, उसके बाद Ag, उसके बाद Cu2+, उसके बाद सबसे पहले तो ज्यादा सबसे ज्यादा आपका Br का, Br2 का, उसके बाद जल्दी बताओ, उसके बाद Ag, Ag के बाद Cu2+, Cu2+ के बाद Ag2। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं छोड़ो, अब ये बताओ जो Br है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये इस पीछे वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब पढ़ो लाइन, Cu विल रिड्यूस Br माइनस, जो रिड्यूस करता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर Br को रिड्यूस कर रहा है किसको, Cu विल रिड्यूस Br माइनस, Cu विल रिड्यूस Br2, ठीक है, तो यहां पर आएगा Cu विल रिड्यूस Br2, Cu विल रिड्यूस Br2 आएगा, ठीक है, Cu ना तो I को करेगा रिड्यूस, Ag को नहीं करेगा, और Br माइनस, Cu विल रिड्यूस टू Br2, अपने ओरिजिनल पोजीशन में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, क्लास फोर। अरे बेटा घबराओ मत, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को नहीं आएगा, आगे जाके तुम लोगों को सब आ जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला बोलो बेटा, यहाँ पर क्या बोला है, द करेक्ट बैलेंस आयोनिक रिएक्शन अगर व्हेन द एसिडिक, बेटा ये पूछा है कि एसिडिक एसिड का रिएक्शन है किसका, साथ ले लो एसिडिक एसिड का रिएक्शन है CH3CO माइनस और H+, अगर ये Na2CO3 के साथ होगा तो क्या होगा, Na2CO3 में NaOH बन जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NaOH बन जाएगा और क्या बनेगा बेटा जल्दी बोलो, CO2 और H2O बनेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन, अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, तो आंसर क्या जाएगा सी, सी में अल्कलाइन है ना सॉल्यूशन, सी में सॉल्यूशन कैसा है अल्कलाइन, तो आंसर आ जाएगा सी। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जहां से तुम लोगों को करना का क्वेश्चन, जहां से अब तक शुरुआत के सीरियसली 39th का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा, अब यहां से क्वेश्चन तुम लोगों से होना चाहिए था। अब बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ जल्दी से, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। अब ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का बताओ जल्दी से, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये X, जल्दी बोलो इससे क्या होगा 5 × 0, NO का क्या होता है +1 = +2, देन X = कितना हो जाएगा 1, तो NO+ है तो इसका मतलब ये क्या है आपका नाइट्रोसिलियम आयन, तो इस पर तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, तो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर Fe+1 में, और NO किस में कन्वर्ट हो रहा है NO+ में, तो आंसर क्या आ जाएगा सी।
Fe का Fe plus one लिया है, तो वैसे ही घटा था CA Fe plus two Fe plus one किसका सही है? सही है? अरे वाह किशोर भी सही है? क्या किया? छोटू दिया B क्या यहाँ से आएगा बेटा तेरा? Fe plus three कहाँ है? कितनी बार बोला है कि Fe का plus one होता है? Fe का Browning complex भी बेटा मैं पढ़ाऊंगा P block chemistry में Browning complex बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पर भी आएगा। अभी से याद रखो coordination compound का सबसे famous question है, इसके अंदर तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान रखो। अगला बताओ किसने किया है? NH4Ca सही है सी। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा? S2OH2- जल्दी बताओ। S तो माइनस डबल बॉन्ड हो अब कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं फटाफट बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर माइनस चार्ज और लोअर के पास प्लस वन और इस पर प्लस वन टोटल कितना हो गया? इस पर भी क्या हो गया? प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू दो सल्फर है कितना हो जाएगा? नेक्स्ट आप देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम का ही होगा ये रिडक्शन होता है।
उल्टा बोला, कम करना मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। अरे कम करने का मतलब अपने अपने प्लस चार्ज को कम करना, मतलब रिडक्शन करना। तो ये क्या हो जाएगा? अगला बता दो जल्दी से। H2O2 क्या होगा इसके रेस्पेक्ट? रिडक्शन कैसे करना है? अब देखो H2O2 और NH2O2 हाइड्रो, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी अमाइन। वो OH प्लस प्रीफिक्स क्या होता है और NH क्या होता है? अमाइन। NH2 बताया था, हाइड्रोक्सी अमाइन, इसका नाम क्या? हाइड्रोक्सी अमाइन। बताओ जल्दी से, यहां पर N का कितना होगा बेटा? बोलो, निकालो ना। एक्स टू माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एन आपका प्लस पांच से जा सकता है, तो अपने आप को क्या करेगा? अपने आपके मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये क्या होगा? खुद अगर रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडेशन है, तो एजेंट तो ये क्या होता है? रिड्यूस। इस तरीके से डील करता है। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन वैसे ट्रिकी था, आगे जाके सीख जाओगे तुम लोग सब। अगला बेटा, अब देखो P4NaOH के साथ साथ देखो P4 अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaH2PO2 प्लस BH3। अब जल्दी बताओ P का ऑक्सीडेशन नंबर? माइनस दो, पांच कैसे आएगा इसमें? तो इसमें आएगा माइनस थ्री। पी का कितना आ रहा है इसमें? कोई भी ऐसा नहीं है। ये क्या है बोलो ना? फॉस्फोरस का फॉस्फेट में कितना है? माइनस थ्री। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और इसका क्या आएगा? प्लस वन, प्लस फाइव पास आ जाएगी। हाँ तो ये गलत है, ये आता है रिएक्शन, ये है। मैं इतने टाइम से मुझे रिएक्शन सारी याद है। ये बताओ इसका खास बात, मेरे जो आए थे तो मैंने बताया था टाइटेनियम वाला, वो काम कई चीज है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 36 में क्या होता है? 36 में बेटा देखो ऑक्सैलिक एसिड में क्या मिलाया? H2SO4। लेकिन अगर मैंने KMnO4 की रिएक्शन, बेटा ये रिएक्शन तुम लोगों ने बैलेंस भी किए कई बार, HCl के साथ कराते तो KCl निकलता है, MnCl2 निकलता है और Cl2 निकलता है। इसका मतलब KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सैलिक एसिड की जगह। अगला वो अगले का क्या हुआ आंसर बताओ? नेक्स्ट का किसका क्या आ रहा है? सी आंसर है। और 38 का पहला कौन सा है? ए ऑप्शन, पी ऑप्शन। पी का क्या आएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यू क्या आएगा? न्यूट्रलाइजेशन। सोल पर डालो क्या आ जाएगा? और 39 का क्या होगा? 39 का बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी? के की। के इस ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालो ना, पहले प्लस में होगा ना ऑक्सीडाइजिंग पावर। एजी, एजी के बाद एजी, एजी के बाद सीआर, सीआर के बाद एमजी, एमजी के बाद के। लेकिन हमको कौन सा चाहिए? रिड्यूसिंग, तो उसको उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट बोलो बेटा। सी आएगा। अगला बताओ
इसका सी आंखा प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन आंसर ये ले आएगा। इसका क्या आएगा? सिक्स फोर सिक्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ग्रीन कलर के इंडेक्स में। अगला बी आएगा, बी आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन डी ने चेक करो ना एनओ तो एनओ टू का प्लस फोर और उसका प्लस फाइव और प्लस कोई बात नहीं। अब ये होगा 44 का ए, 44 का क्या आएगा ए आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। इसमें थ्योरी लिखो, इसमें थ्योरी लिखो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन उसकी सबसे बेस्ट होती है जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत खतरनाक जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 MnO4 माइनस और Cr2O7 2 माइनस में से कौन H2O2 MnO4 माइनस Cr2O7 में से कौन सबसे अच्छा H2O2 MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस H2O2 से अच्छा MnO4 माइनस उससे अच्छा ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन क्यों नहीं आया? बी में MnO4 2 माइनस है माइनस नहीं है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो 45 का ए आएगा ठीक है, 45 का ए आएगा येलो कलर में सी आर प्लस थ्री ठीक है। नेक्स्ट बोलो अगला, अगले का क्या आया? सेवन ना थ्री आएगा थ्री आएगा। अगला 49 294 डिवाइडेड बाय 98 एंड वैल्यू कितना है 6। अगला किसी वो अगले का कितना आएगा C3। अरे H2SO4 और एक का कितना होता है सल्फर का 6। H2SO5 में कितना होता है 6। Cr2O7 में कितना होता है 6 और Cr2O5 में कितना होता है 6 टोटल कितना हुआ 4। अगला नॉन जीरो किसका है? क्लोरीन का और एन ए का सॉरी। अगला पढ़ाया होता है, मैंने तो पढ़ाया होता है, आंसर ही पेंट करा होता है।
वो थोड़ा बहुत एक लेवल नहीं करता। Thank you.
थैंक यू।